हमारी ये पृथ्वी पूरी मानव जाति के लिए एक वरदान है। देखा जाए तो यहाँ हर वो चीज़ मौजूद है जो हमारे यानी मानव जाति के जिंदा रहने में उसकी सहायता करती है। ऑक्सीजन, पानी, मिट्टी, वायु और पेड़ पौधों से भरी हुई ये हमारी पृथ्वी किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ पर हर प्राकृतिक घटना जैसे कि सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या फिर सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना और चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, ये हर घटना मानव जाति के जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि ये सभी घटनाएं हम मनुष्यों और सभी सजीवों के लिए पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करती हैं। यदि इन घटनाओं में थोड़ा भी चेंज आ जाए तो वे पृथ्वी पर हर लिविंग थिंग पर काफ़ी गहरा असर डालती हैं। इतना ही नहीं, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, इसकी ओजोन लेयर और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से भी यहाँ की लिविंग थिंग्स प्रभावित होती हैं। वैसे तो ये सभी घटनाएं मानव जाति और यहाँ रहने वाले सभी जीवों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि ये सब घटनाएं जीवन और हमारे विकास के लिए फेवरेबल कंडीशंस पैदा करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर इनमें से किसी भी घटना में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए, या फिर ऐसा हो कि वो घटना कभी भविष्य में घटे ही ना? अगर ऐसा हुआ तो सोचने वाली बात यह है कि तब पृथ्वी का नज़ारा कैसा होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम एक कल्पना करते हैं, क्या होगा अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाए। मान लीजिए कि पृथ्वी पर हर घटनाएं वैसे ही घट रही हैं जैसे कि अब तक घटती आ रही हैं, सब परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी कि आमतौर पर होती हैं, लेकिन बस उसका चुंबकीय क्षेत्र खत्म कर दिया जाए, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या पृथ्वी पर सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसा कि पहले था, या कुछ बदलाव आएगा? वैसे तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन विचार करने के लिए ये एक अच्छा थॉट एक्सपेरिमेंट है। पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने के बाद कुछ रिजल्ट तो नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट्स बेहद खतरनाक और विनाशकारी भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, यानी कि दिशाओं का ज्ञान। आपने कंपास को तो देखा ही होगा, ये एक तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है। कंपास को अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो कंपास की सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है और इसी कंपास की सहायता से हम डायरेक्शंस पता करते हैं। ऐसे में अगर पूरे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है तो हम डायरेक्शंस पता करने में भटक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से केवल मनुष्य ही डायरेक्शंस पता करते हैं, बल्कि बहुत सारे पशु पक्षी, समुद्री कछुए, मधुमक्खियां और अन्य जीव भी ऐसे ही डायरेक्शंस पता करते हैं। इनके शरीर में ऑटोमेटिक जैविक कंपास होते हैं जिन्हें मैग्नेटो रिसेप्टर्स कहा जाता है। पशु पक्षी इसका उपयोग खाना पानी की तलाश में करते हैं, तो वहीं समुद्री जीव अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगर पृथ्वी का चुंबकत्व खत्म होता है तो ऐसे में मनुष्यों के साथ साथ सभी जीव जंतुओं और पशुओं की लाइफ गंभीर संकट में पड़ सकती है, और इन सबके बीच पृथ्वी पर जीवन जीना बेहद मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नॉर्दर्न लाइट्स की, यानी ध्रुवीय ज्योति की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ध्रुवीय ज्योति क्या है, तो चलिए पहले इसे ही समझते हैं। हमारी अर्थ के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से आने वाली सौर हवाओं को भिन्न भिन्न रंगों में परावर्तित कर देता है, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल्स के पास चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे ये सौर हवाएं हमारे ऊपरी वायुमंडल में पहुंचकर ठहर जाती हैं, जिसके कारण वहां कई रंगों की लेयर्स बन जाती हैं, और इसी को ही हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है तो इन नॉर्दर्न लाइट्स का क्या होगा? पृथ्वी के चुंबकत्व के साथ साथ ये नॉर्दर्न लाइट्स भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि चुंबकत्व खत्म होने से हमारा पूरा ऊपरी वातावरण सौर हवाओं के लिए खुल जाएगा और नॉर्दर्न लाइट्स नहीं बन पाएंगी। वीनस और मार्स प्लैनेट पर नॉर्दर्न लाइट्स नहीं बनती, क्योंकि वहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं। इस वजह से वहाँ हमेशा वातावरण में धूल जैसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। और इसी तरह हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के गायब होने से पृथ्वी के इन नेचुरल नॉर्दर्न लाइट्स को कभी नहीं देखा जा पाएगा, और ये प्राकृतिक नज़ारा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। पृथ्वी से चुंबकत्व गायब होने के बाद तीसरा परिवर्तन ये होगा कि सूर्य से निकलने वाली कॉस्मिक रेज सीधे धरती तक पहुँचा करेंगी। जी हाँ, हमारा चुंबकीय क्षेत्र केवल ब्यूटीफुल नॉर्दर्न लाइट्स को ही उत्पन्न नहीं करता, बल्कि वह हमें जीवित और सुरक्षित भी रखता है।
सूर्य से निकलने वाली कॉस्मिक रेज और सौर हवाएं पृथ्वी पर समस्त प्राणियों के लिए बेहद खतरनाक होती हैं। ये किरणें हमारे शरीर पर बुरी तरह प्रभाव डालती हैं। ये शरीर को जला भी सकती हैं और ये डीएनए को भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। कॉस्मिक रेज कैंसर जैसी बीमारियों को भी पैदा करती हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि कॉस्मिक रेज पृथ्वी पर सभी लिविंग थिंग्स को एक बार में ही नष्ट करने की ताकत रखती हैं। और पृथ्वी पर केवल चुंबकीय क्षेत्र ही कॉस्मिक रेज को आने से रोकता है, और ऐसे में अगर पृथ्वी से चुंबकत्व खत्म हो जाए तो पृथ्वी पर तबाही निश्चित है। एग्जाम्पल के लिए, लूनर मिशन के दौरान एक बार अंतरिक्ष यात्रियों में कुछ की आंखों की रोशनी चली गई और कुछ को मोतियाबिंद हो गया, जिसका कारण उन्होंने कॉस्मिक रेज को बताया। उन्होंने बताया कि अपनी आंख बंद करने के बाद भी उन्हें भयंकर तेज प्रकाश की चमक देखने को मिली, जिसका सीधा असर उनकी रेटिना पर हुआ और वे अंधे हो गए। चुंबकत्व के खत्म होने से काफी भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। चलिए अब देख लेते हैं कि चुंबकत्व के खत्म होने से हमारी इलेक्ट्रिसिटी और टेक्नोलॉजी पर क्या असर होता है। तो आपको बता दें कि पृथ्वी के चुंबकत्व के बिना हमारी आज की एडवांस टेक्नोलॉजी भी खतरे में है। चुंबकीय क्षेत्र खत्म होने के बाद हमारा हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कभी भी कॉस्मिक रेज के संपर्क में आ सकता है, जिससे कि हमारी पृथ्वी की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। हालांकि सौर हवाओं के कारण पहले भी एक बार ऐसी स्थिति आ चुकी है। सन 1989 में एक बड़े लेवल पर सूर्य की सतह पर बेहद गर्म प्लाज्मा विस्फोट हुआ था, जिसने सीधे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया। बताया जाता है कि उस दौरान कनाडा के एक शहर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई थी और उस शहर का ग्रिड 16 घंटों से भी ज़्यादा समय के लिए बंद रहा था। इस घटना के दौरान काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी नुकसान हुआ, और इतना ही नहीं, कुछ सैटेलाइट्स पर भी इसका प्रभाव पड़ा था और वे भी लगभग कई घंटों तक नियंत्रण से बाहर रहे थे। इस घटना के बाद से अब तक हम ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं बना पाए हैं जो कि ऐसी घटना के दोबारा घटने पर उसे कंट्रोल कर पाए। वैसे तो ये घटना काफ़ी बड़े लेवल पर घटी थी, लेकिन आज भी सौर हवाओं से हमारा चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होता रहता है, लेकिन ये केवल मामूली ही होता है। लेकिन अगर आज हम ये चुंबकीय क्षेत्र खो दें तो ये मामूली सी घटना भी हमारे लिए किसी काल से कम साबित नहीं होगी। भूचुंबकत्व का खो जाना केवल पावर ग्रिड्स के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे आज के कंप्यूटर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। सूर्य की सौर हवाएं बेहद शक्तिशाली और खतरनाक होती हैं, इतनी कि ये किसी भी ग्रह के वायुमंडल में जाकर वहां की गैसों को आसानी से ध्वस्त कर सकती हैं और उस ग्रह की जमीन को जला सकती हैं। और इसके बारे में वैज्ञानिकों द्वारा ये माना जाता है कि मंगल ग्रह पर ऐसा पहले हो चुका है कि वहां का चुंबकीय क्षेत्र अरबों साल पहले गायब हो चुका था, जिस वजह से सौर हवाओं का वहां राज हो गया और वहां वातावरण, महासागर और गैसें सब कुछ नष्ट हो गए और वहां के वायुमंडल से ऑक्सीजन जैसी सहायक गैसें पूरी तरह खत्म हो गईं। ये सब केवल मंगल ग्रह के चुंबकत्व के खत्म हो जाने के कारण हुआ। अब आप ये सोच सकते हो कि पृथ्वी का चुंबकत्व हमारे और अन्य जीवों के लिए कितना अहम है। इतना ही नहीं, बल्कि चुंबकत्व के खत्म होने से हमारे महासागर, नदियाँ और झीलें भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब वायुमंडल खतरे में होगा तब दाब बढ़ेगा और इसके साथ ही ये सब भी खत्म हो जाएंगी। अब आप कल्पना कर सकते हो उस स्थिति की कि क्या होगा अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाए। दोस्तों, हमारी प्रकृति ने हर चीज़, हर घटना की व्यवस्था ऐसे की है कि हम अपना जीवन आसानी से जी सकें और अपना विकास कर सकें। हमारी प्रकृति में किसी भी घटना में आया एक मामूली सा बदलाव भी कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। वैसे तो ऐसी घटनाओं में बदलाव होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन हम जो छेड़छाड़ आज इस प्रकृति से कर रहे हैं, शायद आगे प्रकृति ऐसी घटनाएं करने के लिए मजबूर हो जाए। इसलिए मानव अपना विकास जरूर करें, लेकिन प्रकृति से विपरीत जाकर नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ होकर अपना विकास करें। दोस्तों, आपको ये थॉट एक्सपेरिमेंट कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप आगे कौन से थॉट एक्सपेरिमेंट पर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।